अब देखना ये बाकी है कि इस शख्स को जिसकी जिस इदारे की वजह से इतनी जो पॉपुलैरिटी और मिली थी, उस इदारे का नाम है ISTR। मैं ये लिटमस टेस्ट है पाकिस्तानी कौम के लिए। अब देखना यह है कि ISTR अपनी राहें जुदा करता है इस शख्स से या नहीं। अगर तो वो इसके साथ रहते हैं, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की औरत की मुहाफिज नहीं है। और अगर ये उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं तो हम ये समझने पे मजबूर होंगे कि पाकिस्तानी फौज जो है वो ख्वातीन की जिद्दोजहद के ऊपर कान धरती है और हमारी बात सुनने पे तैयार है। मैं वैसे नाम नहीं उनका लेना चाहता, मेरे लिए मैटर नहीं करते, मगर चूंकि जिक्र हो रहा है खलीलुर्रहमान का, ये एक मेंटेलिटी का नाम है, मैं एक शख्स का नाम नहीं समझता। मगर क्या इस मेंटेलिटी के सामने आ जाने से इस तरह की जो शख्सियात हैं वो एक तरह से अपने आप को एक बार फिर हीरो नहीं समझने लगी क्या? जी, ये जो आपने सवाल किया, सिचुएशन के लिए एक मसीहा की जरूरत होती है, एक उनको हर सिचुएशन के लिए एक सुल्तान राही चाहिए होता है। तो आज की मोमेंट का सुल्तान राही यही है, लेकिन आप देखिएगा कि इसके कदमों से यही जो पॉपुलर सेंटर कैसे जमीन खींचेगा। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया, पाकिस्तान में भी मनाया गया। यहाँ मनाने से जब मैं मतलब लेता हूँ पाकिस्तान में सेलिब्रेट करना, तो मेरे अल्फाज अटक जाते हैं। मगर मैं दाद देता हूँ उन बच्चियों को, उन ख्वातीन को, उन माओं को जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल वुमेन डे मना रही हैं। और इंटरनेशनल वुमेन डे का एक बहुत ही क्लियर मतलब है, वो है जेंडर इक्वालिटी। पाकिस्तान में जब जेंडर इक्वालिटी की बात होती है तो इवन जो हमारी एलीट क्लास है उसमें भी ये एक तसव्वुर है वहाँ पर कि ख़ातून को आप बड़ा अफसर तो बनने दे सकते हैं, हत्ता कि वो वज़ीरे आज़म भी बन सकती है, मगर उसकी हैसियत माँ बेटी बहन और बीवी से बाहर नहीं हो सकती। यानी मर्द ही उसका कस्टोडियन है, चाहे वो जितने बड़े ओहदे पर चला जाए, चाहे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएं जैसा कि बेनज़ीर की सूरत में था, मगर मर्द ही उनका मुहाफ़िज़ रहता है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन डे के मौका पर पाकिस्तान में एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ, सिर्फ मारवी सरमद के ये कहने पर कि औरतें मर्दों के बराबर हैं, और ये एक जो तसव्वुर है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, यह कुछ सिर्फ़ और सिर्फ जिस्म की बात नहीं, ये पूरी शख्सियत की बात है, ये पूरी सोच की बात है। मगर दुख ही होता है कि पाकिस्तान में जब अपने आप को नाम निहाद मुसन्निफ़ कहने वाले बदतमीज़ी पर उतरें और नासमझी के इंतहा पर उतरें तो फिर आदमी क्या करे, दीवार से टकरे मारे। ये वो सूरत हाल है जिस पर मैं इस वक्त टैग टीवी के स्टूडियो में मौजूद हूँ। मेरे साथ हलीमा सादिया जुड़ी हुई हैं और हमने स्काइप पर इस वक्त अपने आप को कनेक्ट किया हुआ है वाशिंगटन में मौजूद मारवी सरमद साहबा से। मारवी, खुश आमदेद, आपने मेरी तमहीद सुनी। मुझे ये बताइए कि जो इस बार हुआ ये कोई नया तो नहीं है, आप पाकिस्तान में जिस तरह का एक मर्दाना माइंडसेट है जो औरतों में भी अब वहाँ की अक्सरियत में भी वो एक तरह से तस्लीम कर लिया गया है। हाल ही में पाकिस्तान की वज़ीर खातून वज़ीर आशिक फिरदौस ऐवान ने कहा कि मेरी हिफाजत मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा और मेरा शौहर करता है, तो मुझे क्यों ज़रूरत है इस तरह के नारों की जिस तरह के नारे पाकिस्तान की फेमिनिस्ट औरतें लगाती हैं। तो आपको क्या महसूस हुआ कि ये कोई नई सूरत हाल तो नहीं है आपसे, मगर आपकी कैफियत क्या हुई जब आप इससे गुजरी? बहुत बहुत शुक्रिया सूरत हाल मुझे तो नई बिल्कुल नहीं लगी, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी होती थी और बल्कि उससे भी पहले जब हम नहीं होते थे, हमसे एक या दो नस्लें पहले की बात है, जब ये खवातीन बाहर निकलती थी और अपनी इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंस ऑफ देयर माइंड की बात करती थी, अपनी इंडिपेंडेंट राय का इजहार करती थी, तो इनको बहुत कुछ सुनना पड़ता था। आपके जो नाजरीन हैं उनके लिए मैं एक दिलचस्प बात जो कि बहुत नाखुशगवार बात भी है वो अर्ज करती जरूर कि बेगम राना लियाकत अली खान जो कराची में क्लब में बिच खेला करती थी, तो उस वक्त उनको इसी किस्म के इल्काबात से नवाजा जाता था उर्दू प्रेस में, जैसा कि आपने मेरे लिए और जो खवातीन औरत मार्च करी है उनके लिए सुने, और सिर्फ इसलिए कि वो बुक्का नहीं ओढ़ती थी और खैर सर तो वो थामती थी, और दूसरी बात ये थी कि वो नॉन मुस्लिम थी तो इसलिए भी उन्हें काफी तनकीद का सामना करना पड़ता था, और तनकीद करना एक और बात होती है मगर जिस तरीके से गाली गलौज की जाती है, तो ये उस वक्त से हमारी तो जो है वो जारी है, थमी नहीं है। आज से 20 साल पहले अगर मैं ये अली खातून इस तरह से ये कहती तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इससे बहुत ज्यादा उसका गुस्से का इजहार होता, और तो हमारे साथ इस वक्त एलाइज हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनकी तादाद इतनी ज्यादा ना होती। आज जो है वो ये उनकी जो तनकीद और गाली गलोच है ये बहुत ही एम्पलीफाई हो गया है, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन का दौर है, मीडिया है, लोगों सोशल मीडिया की वजह से हर एक शख्स को अपनी राय जो है वो एक आप लाउड स्पीकर की तरह फैला सकते हैं, तो उसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि तनकीद बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा साथ देने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए, तो मुझे ये बहुत ही टाइम बात लगी, क्योंकि गालियों को तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रही थी, यानी कि ये तो वो एक कॉन्स्टेंट है हमारी जिंदगी का, जो कोई भी औरत जो है इफ शी डिसाइड टू स्पीक हर माइंड तो को ये मालूम होता है कि अगला कदम यही होगा कि उसको इसी तरह से गालियों से और मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा जाएगा, स्लट शेमिंग होगी, मेरे केस में बॉडी शेमिंग हुई बेशुमार, स्लट शेमिंग और बॉडी शेमिंग ज्यादा हुई, तो मुझे उसका अंदाजा था, मतलब जब हम निकलते हैं बाहर और जब हम अपना जो है वो नारा लेकर निकलते हैं कि मर्द बराबर है, तो हमें मालूम होता है कि हम क्या रास्ता चूज कर रहे हैं और इसका नतीजा क्या होगा, तो ये बिल्कुल मेरे तवक्कुआत के मुताबिक हुआ, मगर जो चीज मेरे तवक्को के मुताबिक नहीं थी वो ये थी कि इतने सारे लोगों ने साथ दिया, उसमें सियासी जमातों के भी लोग थे, और आप देखिए जिन जिन लोगों में सियासी जमातों में से जिन लोगों ने साथ दिया वो कतन हमारी गैर मतवक्को वो एक सपोर्ट थी जो हमें मिली, तो मैं उस साइड पर जरा ज्यादा देखूंगी। बहुत अच्छी बात है कि आपने जो उसके रोशन पहलू हैं उनको भी देखा और उन पर भी आपकी नज़र है। हलीमा को मैं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जोड़ता हूं। हलीमा, आप मारवी की और पाकिस्तान में ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी मारवी और हमारी दूसरी जो बहनों बेटियों के ख़िलाफ़ हुआ आप उसको फॉलो कर रही हैं, तो आप मारवी से भी क्या मज़ीद जानना चाहती हैं और ख़ुद भी क्या इनपुट देना चाहती हैं? देखिए, मारवी से तो मैं हमेशा से स्ट्रॉन्ग औरतों को बहुत सपोर्ट करती रही हूँ, इसलिए कि आप फातिमा जिना की मिसाल ले लीजिए कि वो बहुत ब्राइट और ब्रिलियंट थी लेकिन उन्हें कभी भी वजारत के लिए नहीं आने दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि वो एक खातून थी, एक खास लॉबी के तहत उनको नहीं ऐसा करने दिया गया। और औरत मार्च पिछले कुछ अरसे से जो किया जा रहा है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैं ये समझती हूँ कि उन पॉइंट्स को टच किया गया है जो डिनायल के साथ मौजूद हैं। आपने भी कहा कि ऐसा मेरा ख्याल है जैसा उन हजरत ने आपके मुतालिक मीडिया के ऊपर बैठ के कह दिया, 99% मर्द पाकिस्तान के ऐसा ही रवैया रखते हैं औरतों के लिए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हरीमा, बहुत बहुत शुक्रिया। हलीमा देखिए, ये जो है ना, मैं इसको ना मर्द और औरत का की बाहमी कशमकश नहीं समझती हूँ, इसीलिए आपने देखा होगा कि औरत मार्च के साथ और उन्होंने ये बैनर्स पकड़े हुए थे, मेरी बेटी उसकी मर्जी, एक बैनर पकड़ा था मेरी
कि हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है ये ध्यान में रखना होगा कि हमारी जो जंग है उसको गलत रंग देने की जो कोशिश हो रही है हम उसका सख्ती से मुकाबला करें। तो हम जंग मर्दों के खिलाफ तो है, हमारी जंग उस माइंडसेट के साथ है जो खलील रहमान कमर ने टीवी पर दिखाया। और वो माइंडसेट क्या है, वो एक आप देखिए ना सिर्फ उसको ये उसकी एक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ना सिर्फ वो थी बल्कि वो एक खास किस्म के पावर रिलेशनशिप भी उसमें कार फरमा आपको नजर आए होंगे। उनके ख्याल में चूंकि औरत जो है वो एक उनको यकीन कीजिए, उनको पूरा यकीन है कि औरत एक ऐसी थोड़े से उनसे कम दर्जे की चीज है जिसको उनकी इताअत ही करनी चाहिए, उनके सामने ना जबान खोलनी चाहिए ना ऊपर उठानी चाहिए ना गर्दन उठाकर बात करनी चाहिए। इसका आप सबूत ये देखिए कि अगले ही दिन एक और प्रोग्राम में मंसूर अली खान साहब का प्रोग्राम था, उसमें एक आमिर लियाकत साहब उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा खलील रहमान को, उन्होंने ये तक कह दिया कि ये बीमार शख्स है, इसको आइसोलेट करें, ये कुर्रा अर्ज के लिए ये नो इंसानी के लिए खतरा है और बिल्कुल आइसोलेट करके इसको किसी इलाज कराएं इसका मतलब। और वो उन्होंने कुछ दो मिनट तक उन्होंने ये अपना बयानिया जो है वो जारी रखा, लेकिन खलील रहमान कमर की उनके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सुनने के बाद खलील रहमान कमर ने उनको कहा जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये बात ये असल में जिसको आप पावर आपसे ज्यादा पावरफुल जो शख्स होता है जिसको आप पावरफुल समझ रहे होते हैं आप उसके सामने मिल 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 करते हैं, लेकिन उसके सामने आप एक दिन एकदम जो है वो पहलवान। पहले 2016 में इसी तरह से मेरी टीवी के ऊपर ही कि हमदुल्ला हाफिज हमदुल्ला नाम के जो जीयूआईएस के सेनेटर थे उन्होंने भी यही किया था, मेरे साथ एक मर्द बैठा हुआ था, मर्द ने वही बात की तो उन्होंने उससे कोई रिएक्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ एग्री कर दी, मैंने कोई लफ्ज नहीं कहा सिर्फ ये कहा मैं उनकी बात से एग्री कर दी। तो ये साहब मेरे ऊपर चढ़ दो तो मतलब यह है कि ये कितना इंटरेस्ट है कि औरत को तो एक खास हद तक रहना चाहिए लेकिन और खासतौर पर मर्द को चैलेंज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नहीं तो एक बात आपको और बताऊं हलीमा कि आपको या आपने देखा होगा लाजमी आप मीडिया देख रही है तो उस प्रोग्राम के बाद से अब तक ढेरों प्रोग्राम और ढेरों यूट्यूब की जो है वो खाली खबर की सामने आ चुकी है, उनमें आधे से ज्यादा में वो शख्स सिगरेट पी रहा है लेकिन किसी ने उसको गुंडा मवाली बदमाश नहीं कहा। मैं कभी इनकार नहीं करती, मैं तो कभी छुपाती नहीं हूँ सिगरेट पीने को, अगरचे मैं अपनी नौजवान देखती है उन्हें ये जरूर याद दिलाऊंगी कि एक बहुत खतरनाक आदत है और आप इससे छुटकारा हासिल करने अगर आपको है और अगर नहीं है तो खुदा का शुक्र अदा करें उससे दूर रहे, लेकिन मैंने कभी छुपाया नहीं है, मैंने कभी मुनासिब नहीं की, मैं जो हूँ सबके सामने आप दोनों इस बात के गवाह हैं, बाहर सड़क पर खड़ी होकर सिगरेट पीती रही हूँ पाकिस्तान के अंदर भी और सिगरेट की तस्वीर को यूं वायरल करके और उसकी कैप्शन दी जा रही है कि देखें ये तो औरत है ही आवारा, यानी मेरा सिगरेट पीना मेरी आवारगी का सबूत है लेकिन उसका सिगरेट पीना एक बिल्कुल आम नॉर्मल बात है। तो इन रवैयों के खिलाफ जंग है, मर्दों के खिलाफ नहीं। हाँ लेकिन ये तो बहुत क्लियर माइंडसेट बताता है कि हम एक्चुअली इस वक्त इस जगह पे खड़े हैं, पाकिस्तानी कौम को अगर हम देखें तो इस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हम फ़र्द की हैसियत से औरत को तस्लीम ही नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप फ़र्द की हैसियत से किसी को तस्लीम करते हैं तो आप बराबरी की सतह पे बात करते हैं, जब आप बराबरी की सतह पे बात करते हैं तो आप अपने देखिए औरत और मर्द के लिए मर्द का लफ्ज़ है तो औरत के लिए अगर औरत का लफ्ज़ है तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, ये ट्रांसलेशन है एक फीमेल के लिए औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की। इसी तरह अगर हम दो इंडिविजुअल्स के राइट्स की बात करते हैं तो दोनों इक्वल ही खड़े हैं, जब तक हम ये माइंडसेट नहीं बदलेंगे एक सिगरेट लेके खड़ा है तो वो ठीक है, अगर दूसरा है तो वो ख़राब है, अगर एक जाके चार बीवियाँ कर लेता है तो वो ठीक है लेकिन औरत अगर कोई ऐसी बात कर देती है तो ये ख़राब है। तो अब आप ये बताइए कि ये माइंडसेट तो हमने मान लिया लेकिन अब इसका हल क्या है, इसके लिए हम कैसे आगे चल सकते हैं कि कोई थोड़ी सी, क्योंकि 70 साल में तो कोई जो ऊँट है वो पहाड़ तले आता नज़र नहीं आता, आप बताइए। जी शुक्रिया, मुझे लगता है कि 70 साल में काफी फर्क पड़ा है
और आपके जैसी और हमारे जैसी आसमा जहांगीर जैसी खवातीन, राना लियाकत अली खान जैसे खवातीन, फातिमा जिना जैसे खवातीन, इन इन खवातीन ने जो मुआशरे के लगे बंधे उसूल है उनको चैलेंज करके अपने रास्ता खुद चुना और उस पर चली, उससे मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता फर्क आना शुरू हो गया है। आप देखिए कि जब हम बच्चे थे तो उस वक्त या हमसे भी पहले की बात है जब ये पार्लियामेंट हाउस बना था, आप हमारे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर, क्या आप यकीन कर सकती हैं इस बात पे कि उस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर खवातीन के लिए टॉयलेट नहीं थे? यानी जो उसको बनाने वाले थे उनको इस बात का वो था ही, इदराक ही नहीं था कि ये वो बिल्डिंग है जिसके अंदर खवातीन का आना जाना हो सकता है। मगर अब आप देखिए कि वहां पे खवातीन की जो है माशाल्लाह अच्छी खासी तादाद है और वो हमारी हम सब की जिद्दोजहद की वजह से ही अमल में ये हमें ये दिन जो है देखने नसीब हुआ। इसी तरह से खवातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो अब आपको हर जगह पे नजर आती है, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ मैं, कि हर जगह पे नजर आती है, हत्ता कि आपको जो है ट्रक ड्राइवर्स तक जो है टैक्सी ड्राइवर्स तक खवातीन नजर आती है। तो ये एक जो जेंडर इक्वालिटी का और इक्वल अपॉर्चुनिटी का नारा था वो सिर्फ इलीट तक महदूद नहीं है, अब आप देखिए कि हर तबके में जो है वो खातून ने अपने आप को मनवाना शुरू किया है और वो जो है वो आगे आ रही है। क्या कहते हैं आप अगर सियासी मैदान की बात कर लीजिए या रियासत के लीगल फ्रेमवर्क की बात कर लीजिए, तो आज से 20 साल पहले का लीगल फ्रेम देखिए और आज का लीगल फ्रेमवर्क देखिए तो आपको कई कानून ऐसे आएंगे जो जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं, अगरचे वो आइडियल है यानी उससे बहुत ज्यादा होना चाहिए, जिसके लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहनी चाहिए। आपका ये सवाल बहुत अहम है कि अब हम इससे आगे क्या करना चाहिए, करना चाहिए। और अब चूंकि हम लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, मुराद उसे यह है कि अपनी बात कहने का हौसला और जुर्रत रखने वाली औरतें बहुत ज्यादा हो गई हैं, ना सिर्फ मीडिया में बल्कि हर मैदान में, आपको हर मैदान में औरतें, ट्रेड यूनियन आपको औरतों की अलग से नजर आएंगी, सियासी जमातें जो औरतों को एक साइलो बना के वो आपको याद है ना कि वो एक खवातीन विंग में बना के उसमें ने वो बाउंड्रीज जो वो शेटर कर दी है, हमें लाइन से बाहर रन करने का जो शौक था ना उसने हमें ये एक नई तस्वीर बना दी है। तो लाइन से बाहर रन करना हमें जारी रखना चाहिए क्योंकि नई तस्वीर उसी से बनेगी इंशाल्लाह। आपने बहुत जो है ऑप्टिमिज्म की बातें की और बहुत वो जायज़ बातें हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनकी बिल्कुल गुंजाइश है और गुंजाइश बन भी रही है। ख़ासतौर पर जो आपने एक नुक्ता उठाया वो मेरे लिए बहुत अहम है कि ये मर्द और औरत के बीच किसी किस्म की क्लैश का मामला नहीं, एक माइंडसेट का मामला है। मगर मारवी मैं ये भी सोचता हूँ कि हमारा जो बैक होम का समाज है, पाकिस्तान का जो समाज है, वो बुनियादी तौर पर एक मजहबी मुआशरा है और उस मजहबी मुआशरे में औरत के हकूक़ के जो चैम्पियन बनने वाले हैं वो मजहबी इदारे, उनका ये कहना है कि औरत की माँ बेटी बहन बीवी की हैसियत में तो बहुत इज़्ज़त है मगर एज़ इंडिविजुअल, एज़ औरत, एज़ फ़र्द या शख्सियत उसकी अपनी नहीं है। तो क्या ये एक लंबी बैटल नहीं है इस तमाम ऑप्टिमिज्म के बावजूद के कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तस्वीर में अच्छे रंग भी आ रहे हैं, कैसा समझते हैं आप? जी आप दुरुस्त करवा रहे हैं, बहुत लंबी बैटल है, अभी हमने मंजिल तो नहीं पाई है और लेकिन ये जरूर है कि ये जो आप आपको कुछ अच्छी चीजें नजर आती हैं और ये जो आपको ऑप्टिमिज्म की तरफ जाने पे मजबूर करती हैं उनकी वजह से हम ये तो समझ सकते हैं कि हम हमारी सिम्स दुरुस्त है, रास्ता हमें यही जो है वो अख्तियार करना है और इस पे हमें चलते जाएंगे क्योंकि देखिए ये तो सदियों की नहीं, ये तो हजारियों की हजारों सालों की एक रिवायत है खवातीन के दूसरे दर्जे का इंसान समझने की। इसको पेट्रियार्की को, पितरशाही को सिर्फ 8-10 औरतें या 2-3 हजार औरतें हर औरत मार्च पे बाहर निकल के शायद तब्दील ना कर सके, लेकिन इसके लिए आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इसके लिए एक लंबी जिद्दोजहद की जरूरत है और वो जिद्दोजहद तभी मुमकिन है जब हम जैसे लोग जो है वो इन गालियों और इन ये जो धमकियां हैं इनसे घबरा के खामोश होकर ना बैठे और अपनी बच्चियों की और बच्चों की तरबियत भी ऐसे ही करें कि वो सब मिल के इस जिद्दोजहद में
जो है वो आगे बढ़े। आपने ये कहा कि खातून की इज्जत माँ बहन बेटी और बीवी की हैसियत से है हमारे माशरे में, मगर अगर एक इंडिविजुअल को देखा जाए तो नहीं है। और आप ये देखिए, मैं तो कहती हूँ कि एक बीवी बहन बेटी की हैसियत से भी इज्जत नहीं है पाकिस्तान के, क्योंकि बीवी और बेटी और अगर माँ और बहन अगर आपकी है, आपकी जाती माँ है, तो उसकी इज्जत। लेकिन अगर वो आपके बच्चों की भी माँ है तब भी उसकी इज्जत में फर्क आ जाता है। किसी दूसरे के मोहल्ले में किसी दूसरे की माँ की तो आप बिल्कुल जिक्र ही छोड़ दीजिए, किसी मोहल्ले में किसी किसी की बहन का जिक्र तो आप छोड़ ही दीजिए, उसको तो सब अपनी, अगर वो घर से बाहर है चार दीवारी से तो सब अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। तो जो बहन या जो बेटी आपके घर में है या जो माँ आपके घर में है, इज्जत उसी की है बस। और इसको और बाज़ोकात बहुत सारे हालात और वाकयात हमारे सामने ऐसे हैं जिसमें इवन उनकी भी इज्जत नहीं, बेटियों को और बहनों को बहुत रूटीनली जो है गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है। औरतों को इस बात पर जो है वो कत्ल कर दिया जाता है कि उन्होंने रिश्ते से इनकार किया था। आपने ये जो हमारे मसूद साहब हैं, इनकी एक नज्म थी अमड़ी पंजाबी जबान की, जी कमर मसूद साहब, जिक्र अभी जी उसका भी जिक्र उनके साहबजादे हमारे मसूद ने जी 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 किया। तो वो अगर वो आप उसको पढ़े तो उसका मतलब, और वो उन्होंने इस माशरे से ही ली थी ना, और इस सिर्फ उन्होंने नहीं ली, बेप्सी सिद्वा ने अपने नॉवल में भी उनका जो नॉवल था जिसमें उन्होंने कोहिनूर से ये जो हमारा कोहिस्तान से एक लड़की की दास्तान जिसने बयान की, उसमें भी यानी आपको हमारा लिटरेचर भरा पड़ा है जहाँ पे जो माए हैं उनको भी जदोकोप करने की रिवायत मौजूद है। माशरा जो अपने आप को इस्लामी कहता है और ये कहता नहीं सकता कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये वो माशरा है। तो ये इस माशरे की आप दोहरे रवैयों, मक्कारियों, अय्यारियों, मुनाफकतों को तो आप बिल्कुल एक साइड पर रखते हैं। ये वो माशरा है जो कहता है कि जो है इस्लाम ने औरत को बेशुमार हकूक दिए हैं, और अपने तस्वीर के ऊपर आयतें लगाकर खवातीन को गालियां उड़ियां नंगी गालियां देना एक वतीरा है। तो इस माशरे को तो आप जाने दीजिए, हमें ये देखना है कि हमें इसकी मुनाफकतों को कैसे एक्सपोज किए जाना है और कैसे उसे चैलेंज करना है, भले ही और गालियां मिले। इनसे आप कहें कि आप अपने इस्लाम को, ये अगर ये इस्लाम है जिसको आप जिंदा कर रहे हैं तो करते रहिए, हम भी अपने वतीरे से बाज नहीं आएंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि जब हम ख़ासतौर पे मज़हबी नुक्ता नज़र से बात करते हैं तो भी, और इस 21st सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम किसी भी सोसाइटी को लेके चलना चाहें मज़हब के साथ, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं। स्पेशली ख़ासतौर पे हम जिन मुल्कों में रहते हैं इसमें मज़हब भी है, लेकिन इसके साथ साथ सिविल लॉज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सिविल लॉज का मतलब ये नहीं कि आप मज़हब को डिनाइल कर देते हैं या मज़हब को निकाल के फेंक देते हैं। सिविल लॉज का मतलब ये है कि आप मज़हब और सिविल लॉज के अंदर इस तरह की हारमोनी पैदा करते हैं कि जिससे हारमोनियस सोसाइटी जन्म लेती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि खिचड़ी ज़्यादा है, अभी तक डायमेंशन तय नहीं हुई कि हम करना क्या चाहते हैं, और कोई भी इस मामले में क्लियर ही नहीं। जहाँ से दिल चाहता है वो खेलना शुरू कर देते हैं, मज़हब का जहाँ से पल्लू पकड़ते हैं, किसी तरह से सिविल पल्लू पकड़ते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कह रहा है, अमली तौर पे सोसाइटी कुछ कह रही है। मेरा ख्याल ये है कि मिनहसुल कौम जब तक रवैये नहीं बदलते, जब तक हम कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के साथ नहीं चलना चाहते, क्योंकि रियलिटी ये है कि औरतें मर्दों से ज़्यादा ब्रेड विनर हैं इस वक्त उस सोसाइटी में, लेकिन उनके राइट्स स्नब्ड हैं। उनसे एक्सपेक्टेशन तो होती है कि वो बाहर जाके काम करें, घर आके बच्चे पालें, लेकिन मर्द नाकारा है बिल्कुल। इसके लिए मैं ये भी मिसाल दूंगी कि हर कामयाब मर्द के पीछे, अगर कहते हैं कि एक कामयाब औरत होती है, तो हर कामयाब औरत के पीछे एक कामयाब मर्द होता है। नाकाम मर्द नाकाम औरतें और नाकाम सोसाइटीज़ बनाते हैं। देखिए, हलीमा जो बात कर रही हैं वो उनका ज़्यादा ज़ोर मर्द और औरत का जो माइंड सेट पाकिस्तान के माशरे के कॉन्टेक्स में वो है, वो अपनी जगह पर दुरुस्त बातें कर रही हैं। और जो आप ऑप्टिमिज्म देख रही हैं मारवी, वो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, मगर ऑप्टिमिज्म के साथ साथ आप उस रियलिस्टिक पिक्चर को भी साथ साथ देख रही हैं जो बदकिस्मती से पाकिस्तान के समाज पर अभी भी हावी है।
تو اس ساری صورتحال میں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ گلوبل ویلج بن جانے والی اس دنیا میں پاکستان کا میڈیا جو اس وقت تک تو کوئی کردار ادا نہیں کر رہا جو مرد عورت کی جینوئن برابری ہے اس کے سلسلے میں، مگر کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا رخ اختیار شاید میڈیا کرے گا، چونکہ میڈیا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے ایجوکیشن اور اویئرنیس کے لیے؟ جی، جو اس وقت صورتحال ہے میڈیا کی پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو کوئی زیادہ امید نظر نہیں آتی، لیکن تھوڑی سی امید کی کرن جو ہے آپ کو ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے ناخوشگوار، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بیٹل لائنز آر ڈرون، اب آپ کو ایک کلیئر ڈیوائڈ نظر آتی ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو کل تک جو ہے اور ہم بھی ان کو بہت لبرل سمجھتے تھے کیونکہ وہ ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں دخل اندازی کو برا سمجھتے تھے، تو ہم نے ان کو ایک الائی سمجھا ہوا تھا، آج آپ کو وہ بیٹل لائن صاف نظر آ رہی ہے کہ جمہوریت جو ہے کوئی بھی جمہوریت اس وقت تک جمہوریت کہلانے کے لائق نہیں ہے جب تک اس کے اندر جنسی برابری کے ساتھ ساتھ اور جو مختلف کمیونٹیز ہیں، چاہے وہ سیکچوئل کمیونٹیز ہوں جس میں آپ کے ٹرانسجینڈر لوگ ہیں یا گیز اور لیسبینز ہیں یا جو بھی سیکچوئل مائنورٹیز ہیں، وہ ان کو برابر کا حق نہ دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی لسانی اور دوسری قومیتیں ہیں ان کو برابر کا حق نہ دیا جائے، تو اگر ان تمام سوالوں کے اوپر آپ جو ہے وہ جمہوری میں آپ کا سیکولر اور جمہوری طرز عمل اور رائے نہیں ہے تو آپ کو ایک جمہوری شخص نہیں سمجھا جا سکتا، اور یہ چیز اس واقعے نے بہت کلیئر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے، اب سب نقاب ہٹ چکے ہیں، آپ کو بھی آپ نے جس نے بھی میڈیا واچ کیا ہے پاکستان کا پچھلے ایک ہفتے میں، اس نے بہت سے نقاب ہٹتے ہوئے دیکھے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اب ہمارا الائی کون ہے، تو میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹلز کو جیتنے کے لیے بڑی جو بیٹل ہے ہماری اس کے اوپر سے نظریں نہ ہٹائیں، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا الائی کون ہے اور کس کے ساتھ کھڑے ہونے سے ہم اس کو لیجیٹیمیسی جو ہے وہ دیں گے، تو سیاسی جماعتوں میں سے بھی اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اندرونی کشمکش بے شمار ہے، آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تو بہت ہی کلیئر اسٹینڈ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا، البتہ آپ کو چھوٹی جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں ان کی طرف سے اے این پی ہے، مجھے ان کی طرف سے حوصلہ افزا جیت سامنے نہیں آئی، پی ایم ایل این کی طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں دو کیمپس ہیں بہت ہی اسٹرانگ اس مسئلے کے اوپر، اور ایک کیمپ کا خیال ہے کہ اس کو یہ کہنے یعنی وہ اینٹی خلیل الرحمان قمر کیمپ ہے، اور دوسرا کیمپ وہ کہہ رہا ہے کہ اینٹی میرا جسم میری مرضی کیمپ، تو آپ نے یہ جو کشمکش معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری تھی، یہ بہت اچھا ہو گیا کہ یہ تنازعہ کھڑا ہوا، کیونکہ تنازع کے اندر سے ہی آپ کو تبدیلی کی صورت نظر آتی ہے، اگر معاشرے میں تنازع نہ ہو تو سٹیٹس کو تو ہمیشہ برقرار رہے گا، تو میں اس پہ بھی ایک خوشائن چیز یہ دیکھتی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کو آپ کے جیسے لوگوں کو اب ضروری ہے کہ ہم لوگ وی شوڈ ٹیک اپ دا مینٹل، ہمیں والیوبل اسپیس کو آکوپائی کرنا چاہیے، ہمیں آکوپائی کرنا چاہیے اس پوری سیوک اسپیس کو جو ہم سے چھینی گئی ہے، آپ نے کہا کہ ہمیں آکوپائی کرنا چاہیے اس ساری اسپیس کو جو ہم سے چھینی گئی، مجھے اس میں تھوڑا سا اعتراض یوں نظر آتا ہے کہ وہ اسپیس تو شاید کبھی تھی ہی نہیں، وہ ہم نے ایک امیجن کی ہوئی تھی، مگر امیجن کی ہوئی اسپیس بھی اسپیس ضرور ہوتی ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن میں ایک اور بھی رخ دیکھنا چاہ رہا ہوں اس ساری بحث میں، میں ویسے نام نہیں ان کا لینا چاہتا، میرے لیے میٹر نہیں کرتے، مگر چونکہ ذکر ہو رہا ہے خلیل الرحمان کا، یہ ایک مینٹیلیٹی کا نام ہے، میں ایک شخص کا نام نہیں سمجھتا، مگر کیا اس مینٹیلیٹی کے سامنے آ جانے سے اس طرح کی جو شخصیات ہیں وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو ایک بار پھر ہیرو نہیں سمجھنے لگیں کیا؟ جو آپ کو ہماری قوم کا تو معلوم ہے نا، ان کو ہر سچویشن کے لیے ایک مسیح کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ان کو ہر سچویشن کے لیے ایک سلطان راہی چاہیے ہوتا ہے، تو آج کی مومنٹ کا سلطان راہی یہی ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ اس کے قدموں سے یہی جو پاپولر سینٹر کیسے زمین کھینچے گا، آج میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک اور چیز جو ہے وہ سامنے لانا چاہتی ہوں،
देखिए अमेरिका में हार्वे वाइनस्टाइन की और केविन स्पेसी का जब हुआ तो इनकी पूरी जो एम्पायर थी मीडिया इंडस्ट्री की वो इनकी ढेर हो गई. ये दोनों के साथ कोई काम करना पसंद नहीं करता. इस शख्स के साथ इस वाक्य से चंद दिन पहले ही एक मुहिदा साइन किया था जियो ने, और जियो ने ये वाक्य होने के बाद वक्त जाया किए बगैर अगले ही दिन ये मुहिदा कॉल ऑफ कर दिया. उन्होंने इसको मनसूख कर दिया. अब देखना यह बाकी है कि इस शख्स को जिस इदारे की वजह से इतनी जो पॉपुलैरिटी और मिली थी उस इदारे का नाम है ISPR. मैं ये लिटमस टेस्ट है पाकिस्तानी कौम के लिए. अब देखना यह है कि ISPR अपनी राहें जुदा करता है इस शख्स से या नहीं. अगर तो वो इसके साथ रहते हैं इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की औरत की मुहाफिज नहीं है, और अगर ये उसके रिश्ता तोड़ लेते हैं तो हम ये समझने पे मजबूर होंगे कि पाकिस्तानी फौज जो है वो ख्वातीन की जिद्दोजहद के ऊपर कान धरती है और हमारी बात सुनने पे तैयार है. बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने और इस नुक्ते की तरफ तो मेरी भी तवज्जो नहीं गई. ये वाकई एक जेन्युइन नुक्ता है कि पाकिस्तान का सबसे जो मजबूत इदारा जिनका दावा है कि वो पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों से पाकिस्तान की हर तरह की सरहदों का वो एक तरह से हिफाजत पर मुतय्यन है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान की ख़वातीन की हिफाजत के हक में जाते हैं या ख़िलाफ़ जाते हैं अपना तल्लक खलीलुर्रहमान और उन जैसे लोगों से तोड़ने की सूरत में. इससे पहले कि मैं मारवी आपसे कोई आखिरी कमेंट्स की तरफ आऊँ, मैं चाहूँगा कि हलीमा कुछ आप ऐड ऑन करना चाहें इस गुफ्तगू में. नहीं, मैं तो इस बात पे बहुत हैरान हूँ कि फ़ौज में हमारी औरतें भी होती हैं, ख़वातीन भी होती हैं, और इसके साथ साथ सबसे अहम बात जो मैंने इस पूरे मीडिया की तहरीक में देखी, जो मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर होता रहा, कि ख़वातीन ने ही ख़वातीन के ख़िलाफ़ यानी आपके ख़िलाफ़ काउंटर चेक के ऊपर जो ख़वातीन आई, मैं बहुत हैरान हुई. उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट किया कि हम इस पूरी की पूरी तहरीक से ख़ुद को डिसोसिएट करते हैं क्योंकि हम रिलीजियसली समझते हैं कि ये गलत है. तो मुझे तो रिलीजन की किसी शक में ये समझ नहीं आती कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से मुराद क्या लिया जाता है. यानी मैं आज तक ये नहीं समझ सकी कि हमारी सोसाइटी जो अपने आप को बहुत रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ एक रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर खड़ा समझती है, वो जिस्म से मुराद क्या लेती है. यानी इस पूरी मर्ज़ी में मैं औलाद चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ, कौन सी शिक है जो कहती है मज़हब की कि ऐसा नहीं होना चाहिए. जेंडर इक्वालिटी पे ले लूँ या वो ख़वातीन, जैसे मारवी आपको देखिए कि आप में, मैं तो बहुत समझती हूँ कि कितने लोगों में इतने गट्स हैं जो वो निकल के आते हैं, तो ख़वातीन ही एक्चुअली पुल डाउन करती हैं आदमियों से ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने आदमियों की ये मेंटेलिटी सेट होने दी है. आप क्या कहेंगी इस पर? हाँ हलीमा, बहुत शुक्रिया. ये बहुत आपने अहम नुक्ता जो है वो उठाया है, और मैं आपको दोबारा पहले हमारे से जो शुरू किया था हमने जहाँ प्रोग्राम वहाँ पे ले जाऊंगी कि अगेन इस बात से ये साबित हुआ कि ये जंग मर्द और औरत की नहीं है, वरना ये औरतें जो हैं ये एक दूसरी औरत की तजलील के ऊपर यूं जो है वो तजलील करने वाले के साथ ना खड़ी होती. लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि मैं इन औरतों को बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं देती. इसकी वजह यह है कि जब भी कोई इस्तेसाली निज़ाम होता है वो इस्तेसाली निज़ाम जिंदा ही उसके जिंदा रहने का तरीका ही ये है कि वो सबसे कमज़ोर तबके के सर पे खड़ा होकर जिंदा रहता है, और वो सबसे कमज़ोर तबका अपनी बका के लिए उसी इस्तेसाली निज़ाम का साथ देता रहता है और इस तरह से उसको जिंदा रख उसको ऑक्सीजन वहां पहुँचाता रहता है. इसी तरह से फिगर शाही भी वो इस्तेसाली निज़ाम है जो अपने सबसे कमजोर तबके यानी औरत के की मजबूरियों पे खड़ा है. ये ख़वातीन जो है ये वो है जिन्होंने इस कदर इंटरनलाइज कर लिया है, रोमेंटिसाइज कर लिया है. एक खातून जर्नलिस्ट का आपने ट्वीट देखी होगी, वो बहुत ही रोमेंटिसाइज कर रही थी कि मुझे अच्छा लगता है कि मेरा मर्द मुझे कोट दे देता है, मुझे अच्छा लगता है जब वो ये कर देता है वो कर देता है. तो यानी आपने उसको अपनी एक वल्नरेबल जो आपका पहलू है शख्सियत का उसको अपने इतना रोमेंटिसाइज कर लिया,
और जहाँ पे वो कोट तो मैं भी अपने शौहर को दे सकती हूँ, आप भी हलीमा जो है वो अक्सर अपने शौहर को कोट दे सकती है, तो आपका शौहर इसको रोमांटिसाइज करेगा तो बहुत अच्छा करेगा। लेकिन क्या क्या ये जरूरी है कि मेरी वल्नरेबिलिटी ही को एज अ खातून मेरी वल्नरेबिलिटी को रोमांटिसाइज किया जाए? तो उसकी वजह यह है कि ये इन्होंने इस कदर इंटरनलाइज कर लिया हुआ है, क्योंकि ये उसी माशरे की पैदावार है जो कि फिदर शाही निज़ाम पर खड़ा हुआ है, और माशरे में मर्द भी पैदा होते हैं बढ़ते बढ़ते, उसी माशरे में औरतें भी पैदा होती हैं बढ़ती बढ़ती हैं, और बहुत कम कैरेक्टर ऐसे होते हैं उस माशरे में जो इस्तेहसाल के खिलाफ जो है वो उठ खड़े हों, आवाज उठाएं, अपने अमल से भी साबित करें, और उसमें मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। तो मैं अपनी तवज्जो जो है उन मर्दों और उन औरतों पे रखना चाहूंगी जो कि हमारे साथ खड़े होकर इस पैसाल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जो जिन औरतों और मर्दों की तरफ आप इशारा करी है उन पे हम एक तो अफसोस का इजहार कर सकते हैं, दूसरा ये कि हम उनको एड्रेस करके ये बताने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई आप स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार है, जो आपका इस्तेहसाल करता है, जो आप पे जुल्म करता है, आप उसी के रोमांटिसिज्म में लगे हुए हैं, और आपको बताया गया है कि जो आपके इस्तेहसाली अमल है जिसके वो पूरा अमल ही आप कभी आप उसको मजहब का, कभी कल्चर का, कभी रिवायात का नाम देकर आपने उसको अपना उसका लिबादा यूं ओढ़ लिया है कि अब आपके लिए उससे बाहर निकलना मुमकिन नहीं रहा। तो खुदारा अपने बेटों और बेटियों को इस लिबादे से बाहर निकालें ताकि वो नॉर्मल इंसान की जिंदगी गुजार सके। बहुत शुक्रिया मारवी और बहुत शुक्रिया हलीमा। मारवी, जो आपने आखिर में जुमला कहा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक ऐसा मुआशरा तश्कील देना चाहिए जो नॉर्मल तरीके से बिहेव कर सके। ये बिला शुबा मर्द और औरत की लड़ाई नहीं, ये बिला शुबा माइंडसेट का मसला है। एक ऐसा माइंडसेट जो इक्वालिटी चाहता है, मगर दूसरी तरफ एक ऐसा माइंडसेट जो बदकिस्मती से चीज़ों को एक ख़ास फैंटेसी के साथ देखना चाहता है, जिसके वो फैंटेसी ये है कि उसका कंट्रोल भी रहे और उस कंट्रोल के साथ साथ वो एक ख़ास तरह का जो माइंडसेट है जिसमें इस्तेहसाल होता रहे वो भी जारी रहे। बहुत शुक्रिया मारवी, ख़ास तौर पर आपका। आपको हम दूसरे मौजूदात पर भी जहमत देते रहेंगे, आपसे वक्त लेते रहेंगे और फिर बातचीत होगी आपसे। और नाज़रीन, बेहद शुक्रिया हमारा शो देखने का, जिसमें हलीमा सादिया और मारवी सरमद ने अपनी राय का इजहार किया। बहुत शुक्रिया मारवी और बहुत शुक्रिया हलीमा। और हम इसी तरह के सुलगते मसाइल पर बिला तकल्लफ में बातचीत लेकर आते रहेंगे। आज का बिला तकल्लफ तजिया देखने का बहुत शुक्रिया।